हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रिया शर्मा और आज हम जो पढ़ाएंगे आपको वो बेसिकली पढ़ाएंगे चैप्टर सेकंड। मैंने स्टार्ट कर दिया सॉल्यूशन का और आज ये लेक्चर सेकंड है सॉल्यूशन का बेसिकली। और आज जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछला लेक्चर में मैंने आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया था, तो आज वैसे ही कुछ मिलते जुलते टर्म है उसके जैसे ही, कंसंट्रेशन, इसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। देखिए, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है इस चैप्टर में बेसिकली मैं आपको वो बताऊंगी। अगर मैं एक जो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूं, टेक्निकल टर्म की बात करूं, तो इसका मतलब जस्ट ये होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन सर्टेन अमाउंट इन सॉल्वेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कंसंट्रेशन का, कि कितना अमाउंट जो सॉल्यूट का है वो डिसॉल्व हो रहा है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। मतलब कि आप सीधा सा मतलब ये समझिए कि कितना जो सॉल्यूट है बेसिकली वो सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन। और आप सभी को पता है जो सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। ठीक है, और सॉल्यूट की, सॉल्वेंट के अंदर कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, कितनी मात्रा प्रेजेंट है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसे हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वापिस बता देती हूं एक बार, कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व हो रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूट में, उसे हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक एग्जांपल लेती हूं और उससे आपको समझाने की कोशिश करती हूं। देखिए, सपोज करिए एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो चीज है, एक तो है इथेनॉल, या अल्कोहल का ही एक जो है टर्म है इथेनॉल, और दूसरा है वाटर। ठीक है, इथेनॉल जो है वो 25 ml है, वाटर जो है वो 75 ml है। तो सॉल्यूशन कितना होगा बताओ, टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा इनको ऐड करके, 100 ml। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं आपसे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ इस चीज में, हम कहेंगे कि इथेनॉल की मात्रा, इथेनॉल का अमाउंट कितना है वाटर के अंदर, कितना अमाउंट 75 ml वाटर के अंदर इथेनॉल का प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, 25 ml। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि भाई इथेनॉल कितनी मात्रा में वाटर में प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में इथेनॉल प्रेजेंट है पानी के अंदर, उसे ही हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर 100 ml है सॉल्यूशन का, जिसमें से दो चीज, सॉल्यूट है यहां पर इथेनॉल, सॉल्वेंट है अपना वाटर, सॉल्यूट कितना ml है, 25 ml, और सॉल्वेंट यानी वाटर कितना है, 75 ml, और इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बन जाता है, सॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं कितना है यहाँ पर, 100 ml। बात आई होप आपको समझ में आई होगी कि कंसंट्रेशन कहते किसे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, बताने के, लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टर्म्स में हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो पहला जो एक टेक्निकल टर्म है उसे हम बोलते हैं मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज में कैसे जो है हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे, क्या करेंगे, वो अब मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मास परसेंटेज पढ़ना। तो देखिए, मास परसेंटेज हम यहां पर पढ़ रहे हैं, मास परसेंटेज, जिसको अगर मैं बात करूं स्मॉल टर्म में अगर बोले तो देखिए मास परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं, और मास परसेंटेज को हम स्मॉल डब्ल्यू और ये कैपिटल डब्ल्यू इसमें भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये डब्ल्यू का मतलब आ जाता है वेट। ठीक है, ये वेट ऑफ सॉल्यूट और ये वेट ऑफ
सॉल्यूशन हम जिसे बोलते हैं, हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए मास परसेंटेज बेसिकली होता क्या है, मैं पहले आपको फॉर्मूला बताऊंगी डायरेक्ट, मैं आपको इसकी डेफिनेशन नहीं बताऊंगी पहले, आप जब फॉर्मूला देखोगे ना तब आप अपने आप समझ जाओगे कि होता क्या है, फिर मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करूंगी। ठीक है, देखिए मास परसेंटेज अगर मैं बात करूं, इधर ऐसे लगा सकते हैं अपन, ठीक है, मास परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो मास परसेंटेज का डायरेक्ट मतलब होता है, इज इक्वल टू, समझिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम्स में, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ग्राम्स में, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। अब आपको ना ये फॉर्मूला देखने के बाद आपको क्लिक कर गया होगा दिमाग में, और आप अब मैं जब आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी ना आपको और अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो देखिए मास परसेंटेज का सीधा मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कि कितना मास ऑफ सॉल्यूट जो ग्राम में है प्रेजेंट है किसके अंदर, मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि ग्राम में है, और मल्टीप्लाई बाय 100। मीन्स टू से मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आई बात समझ में, कि मास परसेंटेज का सीधा मतलब ये हो गया कि कितना मास जो है सॉल्यूट का वो डिसॉल्व है कितने मास ऑफ सॉल्यूशन में, और जो सॉल्यूट और सॉल्यूशन यहां पर किसमें होंगे, ग्राम्स में होंगे। ठीक है, बात आई समझ में। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर, अब आपको पता है सॉल्यूशन दो पार्ट से मिलकर बना है, हो सकता है कभी कभी आपको क्वेश्चन की इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, हो सकता है क्वेश्चन में आपको सॉल्यूट दे दे, सॉल्वेंट दे दे, और आप ढूंढते रह जाओगे सॉल्यूशन कहां पर है। आपको दिमाग में आना चाहिए कि सॉल्यूशन जो है दो चीजों से मिलकर बना है, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर दूसरा बताती हूं फॉर्मूला, ऊपर तो एज इट इज रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, अब नीचे देखिए आप, यहां मल्टीप्लाई बाय 100 भी हम लगा देते हैं। ठीक है, अब नीचे देखिए आप क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, कि आपको मास सॉल्यूट का दे रखा है ग्राम्स में ही, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ठीक है, क्योंकि आपको हो सकता है सॉल्यूशन आपको पता है इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, आपका सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, आपको पता है सॉल्यूशन बनता है इन दोनों से मिलकर, तो हो सकता है आपको भाई कभी सॉल्यूशन ना दे रखा हो न्यूमेरिकल में, सॉल्यूट के वैल्यू दे रखी हो ग्राम्स में, सॉल्वेंट की वैल्यू दे रखी हो ग्राम्स में, और फिर आप कहोगे मैम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब ही जो बाइनरी में है वो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है, सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स मिलकर, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मिलकर क्या बना देंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, मास परसेंटेज होता क्या है, कि मास ऑफ सॉल्यूट यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मैं एक डेफिनेशन आपकी प्रॉपर यहां पर लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में और आ जाए, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में है सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो बात है ना, ये जो बात है वो हमने इस फॉर्मूले में कह दी है और इजीली कही है, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो ग्राम्स में है प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, उसे ही हम बोलेंगे मास परसेंटेज। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों ग्राम्स में मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से आप जो है देख लो। अब मैं आपको इसके लिए एक चीज और बताऊंगी, देखिए आपको पता है मास ऑफ सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसमें, डब्ल्यू
बी से, ठीक है। और यहां मैं बात करूं, हाँ ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डब्ल्यू ए से, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या बनेगा, परसेंटेज स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा, क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू भी यही है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। यहां मैं पहले ही मल्टीप्लाई बाय 100 कर देती हूं, ठीक है, ये ऊपर की तरफ ही है मल्टीप्लाई, ठीक है। और अपॉन में क्या है, हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दे रखा है, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन नहीं है, इन दोनों से तो क्या मिलकर बनता है सॉल्यूशन, तो लिख दे, तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी प्लस या डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ये हमारा प्रॉपर फॉर्मूला निकल कर आता है। आप इसको स्टार मार्क करके रख लो, इसका जो फॉर्मूला है इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आने वाला है, ठीक है, कि डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। अगर सॉल्यूशन प्रॉपर लेना दे रखा हो और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अगर आपको अमाउंट दे रखा हो या मात्रा दे रखी हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको और चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इससे स्टार्टेड न्यूमेरिकल। आप भी नोटबुक लेकर लिखिए, इसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन आएगा आपके पास इसी तरीके से, हम इसका करेंगे सॉल्यूशन हमारा क्या होने वाला है। तो देखिए न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में सबसे पहले देखिए केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल की अप्रोच करने का, या किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, उसमें न्यूमेरिकल को आप अप्रोच कैसे करोगे, कैसे आप उसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, जिनको भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ना आपको ये फाइंड आउट करना है कि हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड आउट कर लिया, फिर उससे रिलेटेड आप ना न्यूमेरिकल फॉर्मूले सोचा करो कि भाई उससे रिलेटेड मैंने क्या फॉर्मूला देखा था, क्या पूछा था, क्या मुझे याद है उससे रिलेटेड फॉर्मूला, उससे रिलेटेड फॉर्मूला आप लिख लो। फिर आप देखो कि उस फॉर्मूले में आपको क्या क्या दिया गया है, क्या क्या मिला है, ठीक है, फिर आप उसे पिकआउट करो। फिर आप देखो कि भाई वो फॉर्मूला क्या मुझे नहीं मिल रहा है, और वो पर्टिकुलर टर्म मुझे कैसे मिल सकती है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला देखो। ऐसे धीरे धीरे अप्रोच करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम, मैं आपको यहां पर अप्रोच करना भी सिखाऊंगी कि न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर देखती हूँ मुझे क्या फाइंड आउट करना है। पहले पूरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 500 ml सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, 500 ml सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। 500 ml सॉल्यूशन जो है बना है किससे मिलकर, 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड से मिलकर बना है, ठीक है। डेंसिटी हमें यहां पर दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है, ये ml की पावर -1 है, इसे पर ml भी बोल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml है, तो बताइए कि डिटरमाइन द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन द सॉल्यूशन, बताइए कि ऑक्सैलिक एसिड का मास परसेंटेज कितना है। हमें यहां पर वॉल्यूम दे रखा है 500 ml, यानी वॉल्यूम ही है सॉल्यूशन का, हमें यहां पर वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का, हमें यहां पर ऑक्सैलिक एसिड का वेट दे रखा है, मास दे रखा है 11 ग्राम, और हमें यहां पर डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, आपसे पूछा है मास परसेंटेज, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अप्रोच करना है इस लाइन पे, आपको क्या करना है, ऑक्सैलिक जो आपने पढ़ा था मास परसेंटेज का फॉर्मूला वो लिख दो सबसे पहले आप, ठीक है। क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, फॉर्मूला इज इक्वल टू डायरेक्ट मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां पर आप कहोगे मैम मास ऑफ सॉल्यूशन लिखो ना, क्योंकि यहां पर तो 500 ml सॉल्यूशन दे रखा है, भाई यहां पर वॉल्यूम दे रखा है, ये ml किसके टर्म होती है, वॉल्यूम, लेकिन हमें सॉल्यूशन ग्राम्स में चाहिए, तो क्या करेंगे बताती हूँ क्या करेंगे। नीचे क्या आएगा, WA प्लस WB यानी वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100। अगर कभी आपको यहाँ पर सॉल्यूट के तो कुछ टर्म दे ही रखी ना, सॉल्वेंट का तो कुछ दे ही रखा, सॉल्यूट सॉल्यूट, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो ऑक्सैलिक एसिड है,
हमें इसके बारे में पता है, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। क्योंकि अगर ये आइडिया मैं अगर आपको बताऊं तो इससे मिल ये क्या हो सॉल्यूशन है, ये क्या है बेसिकली सॉल्यूशन इन ग्राम्स में आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, डब्ल्यू ए तो है ही नहीं, सॉल्वेंट की मास तो हमारे पास है ही नहीं ग्राम्स में, सिर्फ सॉल्यूट सॉल्यूट का है, क्या करेंगे। इसके लिए हमें क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। क्या दे रखी है क्वेश्चन में, डेंसिटी दे रखी है। अब देखिए हमारे पास ये टर्म है, ऑब्वियसली बात है क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड, यहां पर सबसे पहले आपको क्या देखना है कि भाई क्वेश्चन क्या पूछा है, फिर सेकंड अप्रोच क्या होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। और अगर सॉल्वेंट नहीं दे रखा है तो क्या चीज दे रखी है, सॉल्यूट आपको पता है इसके अंदर क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, हमारे पास 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड है, हमारे पास डब्ल्यू भी आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्या नहीं आया, हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आ रखा ग्राम में, हमें तो वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का। अब क्या करेंगे, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे कि आप मास निकाल सकते हो ग्राम्स में। ठीक है, क्योंकि आपको डेंसिटी दे रखी है, ये रही डेंसिटी, आपको वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का, ये रहा वॉल्यूम, आपको तो ग्राम में निकालना है सॉल्यूशन का मास, इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे। क्या होगा फॉर्मूला, देखिए मास इन ग्राम्स, मैं आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से इसको बताती हूं, क्या होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला होगा भाई कि मास इन ग्राम्स किसका, सॉल्यूशन का हमें नहीं पता और हमें निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, हमें तो भाई डेंसिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है, तो क्या होता है इसका, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, इजी है। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम कितना दे रखा है यहाँ पर सॉल्यूशन का, 500 ml, कितना दे रखा है आपका 500 ml, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कितनी दे रखी है सॉल्यूशन की, 1.1 ग्राम पर ml, 1.1 ग्राम पर ml। ठीक है, इसे ml माइनस 1 भी कह सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूं, ठीक है, ml से तो ml कट जाएगा क्योंकि ml ये वाला ऊपर है ये नीचे है, कट गया, बचा सिर्फ ग्राम। ठीक है, अब 500 को 1.1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 550 ग्राम। अब ये क्या आ गया हमारा, मास इन ग्राम किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, अब यहां पर आप ये मत कहना मैम हमें सॉल्वेंट तो मिला ही नहीं, अरे तो बात तो एक ही है, क्योंकि जो ये जो होता है वो मास ऑफ सॉल्यूशन ही तो होता है। ठीक है, और हमें क्या मिल गया, डायरेक्टली मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, यहाँ सॉल्वेंट नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो है बट हमें टर्म नहीं दे रखी, बट हमें सॉल्यूशन के बारे में तो पता है, हमने निकाल लिया मास ऑफ सॉल्यूशन, निकाल लिया 550 ग्राम, 550 ग्राम, 550 ग्राम। अब हमारे पास ये टर्म भी आ रखी है, ये टर्म भी आ रखी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग निकालना। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास डब्ल्यू भी क्या है, 11 ग्राम, डब्ल्यू भी हमारे पास 11 ग्राम है जो कि ऑक्सैलिक एसिड का है। ठीक है, डब्ल्यू ए हमारे पास यहां पर क्या है, डब्ल्यू ए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं क्योंकि हमें सॉल्वेंट मिला ही नहीं, लेकिन हमें सॉल्यूशन जरूर पता है, क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी भी बोलते हैं कंबाइंड में। ये हमारे पास कितना है, 550 ग्राम, जिसको हम मास ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास दोनों चीजें, अब हम निकालेंगे क्वेश्चन, सॉल्व करें क्वेश्चन को, चलिए इज इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू बी हमारे पास 11 ग्राम अपॉन में हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 550 ग्राम। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो काट दिया, 11 × 55, 11 × 5 = 55, ये 5 से कट गया। ठीक है, बात समझ में आई, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 11 से 5 कट गया, मतलब 55 कट गया, बचा 5, और इस 5 से ये 10 कट गया, यानी 2 क्या आया फाइनली, इसको जब सॉल्व करेंगे 2 क्या आया, 2%, कितना आया 2%, कितना आया हमारे पास मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना आया हमारे पास,
2% ये आ गया हमारे पास, ठीक है। आंसर क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। आया बात समझ में, समझ में आई अच्छी तरीके से? 2% हमारे पास मास परसेंटेज कितना आ गया, 2%। आई होप पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं, जो नेक्स्ट टर्म है अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये न्यूमेरिकल आप बुक में जो है, ये बुक का न्यूमेरिकल है और आप इसे नोटबुक में भी कॉपी कर लेना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं। हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, जो कि एक्सप्रेस होगी वो होगी किस टर्म में, वॉल्यूम परसेंटेज। पहले हमने पढ़ा था मास परसेंटेज, अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम स्मॉल वी और कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखिए, अगर आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों किस में हो, ग्राम्स में हो, तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, मास परसेंटेज का। लेकिन ये फॉर्मूला, ये यहां इसका जो फॉर्मूला है, ये जो कॉन्सेप्ट है, कब यूज होगा? जब हमारे पास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों किसमें हो, किसमें हो, ml में हो, लीटर में हो, या फिर मैं बोलूं लिक्विड में हो, ठीक है। इनकी यूनिट या तो ml या लीटर हो, या फिर क्या हो, लीटर, ठीक है, ml हो, लीटर में हो, या फिर लिक्विड हो, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हो, दोनों क्या हो, लिक्विड हो, तब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तब हम वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं, तभी जो है हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे हो, लिक्विड हो, या मैं बोलूं एमएल में या लीटर में हो, ठीक है। एक चीज, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगी, कि आप इस चीज को थोड़ा सा, चाहे आप नोटबुक के ऊपर इंपॉर्टेंट लगा के लिख लें, कि 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 100 एमएल, ठीक है। ये बात आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आई बात समझ में, ये बात आप नोट कर लीजिए, ये आगे काम आएगी, कि 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 ml। ये बक्सा मैंने कर दिया बंद, और इसको आप भी बंद करके ऊपर जो है नोटबुक के ऊपर इसे स्टार मार्क करके लगा लीजिए, कि 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 ml, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में बताना, इसे नोट कर लो आप। देखिए, अब मैं बात करती हूँ वॉल्यूम परसेंटेज होता क्या है। दोबारा मैं आपको क्या करूंगी, पहले इसका फॉर्मूला बताऊंगी, फिर आपको डेफिनेशन बताऊंगी, उससे आपको इजी होगा समझने के लिए, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो देखिए वॉल्यूम परसेंटेज में मैंने आपको बताया था क्या होता है, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एमएल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, और ये मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। बेसिकली ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एमएल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसे दूसरे तरीके से, अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एमएल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब, अगर बाइनरी में बात करूं तो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट इन एमएल, प्लस इधर ऊपर मैं 100 भी लिख देती हूं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एम। तो ये टोटल फॉर्मूला हो गया हमारा इसका। अगर मैं बात करूं आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म की, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, क्या लिखेंगे, क्योंकि देखिए वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम पूरा लिख देते ताकि आपको समझ में आए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो कि एमएल में है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी ए से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि एमएल में है, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी बी से। तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट देन मल्टीप्लाई बाय 100। ये आप ब्रैकेट में बंद करके नोट कर लें। इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये मैंने आपको न्यूमेरिकल बता दिया, ये मैंने आपको डेफिनेशन और फॉर्मूला बता दिया है। डेफिनेशन मैं आपको अगर अच्छी तरीके से करवाऊं तो देखिए डेफिनेशन इसकी क्या होगी, क्या होगी डेफिनेशन इसकी होगी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज एन ml प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब और 100 ml इन सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये इसकी मोटी मोटी जो है होने वाली है क्या डेफिनेशन, कि अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है वो भी ml में होना चाहिए और सॉल्यूशन भी किसमें होना चाहिए, ml में होना चाहिए, यानी कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है जो कि ml में है, किसमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। तो मतलब सीधा सा मतलब तो यही है कि मास ऑफ सॉल्यूट जो कि ml में हो और मास ऑफ सॉल्यूशन वो भी ml में हो और मल्टीप्लाई बाय 100। इसका सिंपल सा डेफिनेशन बनता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, इसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भी बोल सकते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना। तो ये सारा बनता है हमारा, आई होप आपको समझ में आया हो। जो कंसंट्रेशन की थर्ड टर्म है वो क्या है, मास वॉल्यूम परसेंटेज, वो क्या है मास वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं कैसे, ठीक है, इससे भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अब ये मास वॉल्यूम परसेंटेज हम कब निकालते हैं, जब हमारा सॉल्यूट तो ग्राम्स में हो और सॉल्वेंट हमारा वॉल्यूम में हो, ठीक है, सॉल्वेंट किस में हो हमारा वॉल्यूम में हो, ठीक है, हमारा किस में हो मास तो हमारा हो, जो सॉल्यूट हो वो हमारा हो ग्राम में और सॉल्यूशन हमारा ml में हो, तब हम क्या निकालते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगी ताकि आप डेफिनेशन आराम से कर पाओ। तो परसेंटेज ऑफ मास वॉल्यूम इज इक्वल टू, डायरेक्टली बात करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि किसमें है ग्राम में है, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो कि किसमें है ml में है। समझ में आ गई आपको बात। यहां पर सीधा सा क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो ग्राम्स में है और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है ml में है, मतलब कि आप डायरेक्टली समझो कि सॉल्यूट ग्राम्स में होगा, सॉल्यूशन जो है ml में होगा, तो उसमें उस कंडीशन में हम निकालेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज और इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन ग्राम इज डिजॉल्व्ड इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन ml मल्टीप्लाई बाय 100 इज कॉल्ड मास वॉल्यूम परसेंटेज। और इसकी अगर परफेक्ट मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि मास वॉल्यूम परसेंटेज इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि जो मास ऑफ सॉल्यूट है डिजॉल्व है या प्रेजेंट है पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सीधी सी बात है, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मींस टू से कि प्रेजेंस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का कितना प्रेजेंट है किसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो कि किसमें है ml में, ठीक है, वो क्या कहलाएगा मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसको आप अगर फॉर्मूले से देखेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, इतनी जो आपकी जो डिफिकल्ट सी डेफिनेशन है उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम में प्रेजेंट हो और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो कि ml में हो और इसका परसेंटेज आराम से निकल जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसका एक न्यूमेरिकल मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम ये लेक्चर ओवर करेंगे।
देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इफ 10 ग्राम ऑफ NaCl विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml एक्वस सॉल्यूशन, देन फाइंड आउट द मास वॉल्यूम परसेंटेज NaCl ऑफ NaCl। ठीक है, तो देखिए अगर इसका सॉल्यूशन करें, मैं इसको एक बार हिंदी में बता देती हूँ कि अगर 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है, ठीक है, 10 ग्राम NaCl की जरूरत पड़ रही है, अगर हमें 10 ग्राम NaCl की रिक्वायर्ड है, अगर प्रेजेंट है या फिर हमें जरूरत पड़ रही है क्या बनाने में, अगर हमें 10 ग्राम NaCl की जरूरत है क्या बनाने में 500 ml सॉल्यूशन, तब आप फाइंड आउट करिए मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है ना, तो हमें मास वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला पता है ना क्या है, इज इक्वल टू, डायरेक्टली सी बात है, मैंने आपको बताया था पहले आप लिखोगे साथ डायरेक्टली, क्या लिखोगे भाई फॉर्मूला लिखो, तो क्या है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है क्या, ये रहा NaCl इसमें सॉल्यूट है, अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट है क्या, किसमें ml में प्रेजेंट है क्या भाई, प्रेजेंट है, देखो 500 ml ऑफ सॉल्यूशन ये भी प्रेजेंट है, और यहां पर आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो देखिए हमारे पास क्या 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 प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, किसमें ग्राम्स में, कितना है 10 ग्राम, वो भी NaCl का, हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट है किसमें ml में, कितना है 500 ml, कितना है भाई 500 ml। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज बाय, तो करें फाइंड आउट, चलो स्टार्ट करते हैं, क्या रखना है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम में, इजी सा क्वेश्चन है, 10 ग्राम्स अपॉन 500 ml, नीचे लिख दो 500 ml मल्टीप्लाई बाय 100, क्या निकल के आ जाएगा, काटेंगे तो हम क्या निकलेगा, इन दो जीरो से ये दो जीरो, 5 2 जा, ये निकल के आ जाएगा 2 ग्राम पर ml, जो कि हमारा क्या है बेसिकली परसेंटेज, बेसिकली ये कितना निकला है 2 ग्राम पर ml। ठीक है, 2 ग्राम पर ml, ये हमारा आ गया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, कितना है इसका मतलब क्या हुआ, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना है 2, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोने में लिख देती हूं 2% ऑफ वॉल्यूम, हमारा आंसर ये, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया 2 ग्राम पर ml का मतलब कि भाई पर ml में कितना प्रेजेंट है हमारा NaCl 2 ग्राम, 2 ग्राम हमारा पर ml में जो है प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो देखो आंसर आ गया इसका 2 ग्राम, जिसको हम लिख सकते हैं 2% मास परसेंटेज ऑफ मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaCl। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने पढ़ लिया है जितने भी कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं, जिनसे भी कंसेंट्रेशन एक्सप्रेस होता है, लाइक क्या क्या, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, ये तीनों आज हमने अच्छी तरीके से पढ़ ली हैं। आई होप आपको समझ में आई हो, और आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच।